जैसे ने कवि को बाइज्जत बरी कर दिया। तो कविता की और शेर व शायरी की इतनी बातें हो रही हैं सर, तो अरुण जी कुछ हो ही जाए। ये चार ये जो प्रेम की बात आप कर रहे थे जी, आपने अच्छा किया हरियाणा वाले से नहीं पूछा जी, क्योंकि हमारे यहाँ तो प्रेम ब्याह के बाद होता है जी। अच्छा जी। अच्छा। और हमारे यहाँ संबंध विच्छेद के लिए बड़ी बड़ी बात नहीं चाहिए, वो सामान्य बात पे आता है। अच्छा जी। वो प्रेमी ने प्रेमिका को जैसी सीने से लगाया, हाँ जी, तो प्रेमिका बोली तेरा दिल बड़ा कुरकुरा है। अरे बोले कुरकुरा को ना, तेने बीड़ी का बंडल तोड़ दिया। प्रेम की बात चली है तो जी कविता सुनाता हूँ छोटी सी जी। मैंने सोचा पुराने जमाने को वापस लाया जाए और इस बार प्रेम पत्र थ्रू कबूतर भिजवाया जाए। वाह क्या बात है, क्या बात। मैंने कबूतर के पंजे में चिट्ठी अटकाई और उसे बात समझाई, देखो भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है। अच्छा जी। भाई 60 साल की उम्र में कहाँ याद रहे। भाई ये तो याद नहीं है कौन से प्यार की कौन सी चिट्ठी है, पर तुम ऐसा करना यहाँ से 5 गली छोड़ के 6 गली में जाना। अच्छा। और वहाँ जो गुलाबी छत वाली गुलाबी सी लड़की है ना नीलू, उसकी मम्मी को चिट्ठी दे आना। कबूतर बोला हे आदिकालीन युग के देवदास, इस युग में भी चिट्ठियों से आस। अब मैं ऐसी फालतू उड़ान नहीं भरता हूँ, मैं खुद अपनी कबूतरी को व्हाट्सएप करता हूँ। क्या बात है। हमारे कवि हैं उदय प्रताप सिंह जी, उनकी 4 पंक्तियां मुझे याद आती हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कि हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। हर फैसला होता नहीं सिक्का उछाल के, ये दिल का मामला है जरा देखभाल के। मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत्म कलेजा निकाल। क्या बात। अरुण जी ने बहुत अच्छा शेर सुनाया दादा का, उदय प्रताप सिंह जी का। तो मुझे अपनी एक गजल याद आ गई कपिल जी। जी जी जी, प्लीज प्लीज। वही शेर के मोबाइलों के दौर के आशिक को क्या पता, रखते थे कैसे खत में कलेजा निकाल के। पर मैं कितनी अच्छी बात सुनाई चिट्ठियों के ऊपर। अभी पहले जमाने में चिट्ठी कोई लिखता था तो यही सोचता रहता था कि पहुंची होगी या नहीं पहुंची होगी। सही बात है। अभी आप जितना मर्जी प्यार भरा मैसेज लिख दो, लड़की अगर लड़के को लिख देती है तो वो 2 सही के निशान आ जाते हैं ना, इसका मतलब होता है पढ़ लिया। और अगर वो सही के निशान आ गए, रिप्लाई ना आया, 3 मिनट में झगड़ा दोबारा हो जाता है कि तुमने मेरा मैसेज पढ़ लिया, तुम्हारा आया नहीं। कभी यहाँ झगड़ा ही होता है सब जी। चिट्ठियों में तो और भी समस्या हो जाती थी। कैसे? जो बहुत पत्र लिखता था वो डाकिया के साथ ही भाग जाती थी। वाह वाह, बहुत अच्छा है। हाँ, वो जो देने जा रहा है रोज 2-2 चिट्ठियाँ। नहीं देखिए, प्रीतिदा हमसे सबसे सीनियर है, दादा का तजुर्बा पूछे तो ज्यादा अच्छा है। जब आप चिट्ठियों वाली बात पढ़ रही थी, चौबे जी मंदी मंद मुस्कुरा रहे थे, शायद हो सकता है कोई पुरानी चिट्ठी निकलना है जेब से। मेहमानों के लिए चाय लेकर आओ फटाफट, आइए। सर के लिए बिना मीठे वाली, हरियाणा वालों को तो वैसे ज्यादा मीठा चाहिए कि नहीं चाहिए। चौबे जी पहले पहले ज्यादा पी लिया ना। शुक्रिया। वाह। यस। इन दिनों मैं एक एक्सपेरिमेंट कर रहा हूँ कपिल जी। जी। माइक्रो कविता है, माइक्रो। अच्छा जी। वही वाह। छोटी छोटी कविताएं हैं। और मैं एक बात कह दूं आपसे, मैं इन सब कवियों से बिल्कुल अलग हूँ। ये सब महान कवि हैं, मैं जरा महीन कवि हूँ। अब मैं आपको अपनी छोटी छोटी, क्योंकि कविताओं का दौर भी शुरू हुआ जी, तो मैं आपको अपनी माइक्रो कविताएं, आप ये मत सुनना कि मैं क्या कह रहा हूँ। अच्छा जी, आप तो ये देखना कि मैं कैसे कह रहा हूँ। क्या बात। स्वागत है, स्वागत है। साली ने जीजा से कहा, साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। साली ने जीजा से कहा कि जीजा जी मैं पास हो गई, मिठाई खिलाओ। जीजा जी मुस्कुरा के बोले जरूर खिलाऊंगा, थोड़ी और पास हुआ। बुरा ना मानो, होली है।
बस इस तरह की माइक्रो कविताएं हैं। थोड़ा सा मुझको बोलना है, ज्यादा आपको समझना है। और एक माइक्रो देखिए, समझने की बात है। पढ़ा मैंने, किताब में पढ़ा कि उस सुंदर औरत की, बहुत अच्छा है, उस सुंदर औरत की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। वाह वाह, क्या सुंदर है। बस मैं इस तरह की बारीक बातें, इन्हें आप सिर फ्री बातें भी कह सकते हैं, दिल फ्री बात भी कह सकते हैं, लेकिन अब क्या करें, खोपड़ी है तो आएगा। उस सुंदर औरत की दाई आंख इतनी सुंदर थी कि बाई आंख लगातार दाई को देखती रहती थी। मैंने सोचा कि दूसरी भी ऐसी ही होती तो क्या होता, दोनों बहनें एक दूसरे को देख रही होती। अरुण जेमिनी ने मुझसे बड़ा अजीब सवाल पूछा कि भाई साहब, संता और बंता दोनों में आपस में कोई रिलेशन है क्या? अच्छा। मैंने कहा क्या मतलब? बोलिए दोनों हमेशा साथ में मिलते हैं तो जरूर कोई रिलेशन है। मैंने कहा बहुत बड़ा रिलेशन है। बोले क्या है? मैंने कहा बेसन और पकौड़े का है। अच्छा। तो ये समझा नहीं, बोले क्या मतलब? मैंने कहा देख भाई, अगर बेसन नहीं संता, तो पकौड़ा कैसे बनता? क्या बात है, अगर बेसन नहीं संता तो पकौड़ा कैसे बनता? बहुत अच्छे, हम लोग उल्टे उल्टे लोग हैं, उल्टा सवाल किया उल्टा जवाब है। आप चौबे जी चाहे प्लीज, गर्म ठंडी तो नहीं होगी, दोबारा मंगाऊं? ठंडी हो गई होगी, हो गई ठंडी, अब तो ठंडी ही होगी, अब टेस्ट करिए, अगर तो ठंडी है तो दोबारा मंगा लेते हैं। थोड़ी देर बाद कहते हो तो हम दोनों ही ठंडे हो जाते हैं। तो चाय पीली मैं? आप ठंडी पीती है ना? हाँ पीली। अरुण जी कुछ हो जाए सर, मजेदार आपके चाहने वाले। असल क्या है कि मैं भी खड़ा होकर सुना दूंगा सर, जैसा आपको ठीक लगे सर, प्लीज। हाँ, दरअसल क्या है, हरियाणा के लोग बहुत सहज हास्य में जीते हैं। अच्छा जी। अभी आपको कुछ दिन पहले ही घटना बताता हूँ। मैं दिल्ली में अपनी कार से जा रहा था, एक रेड लाइट पे खड़ा था, वो बत्ती कब हरी होगी मुझे ध्यान नहीं रहा, कुछ सोच रहा हूँ। तो एक मोटरसाइकिल आई घूमघाम के मेरे पास, मेरे कार का शीशा खटखटाया, मैंने शीशा नीचे किया, बोला इससे ज्यादा हरी नहीं होगी वो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रेम की बात चल रही तो प्रेम की बात कर लूं मैं? जी जी प्लीज। मिलना मिलाना नहीं चाहिए जी। स्वागत स्वागत है। अब हमारा प्रेम का मामला तो बताया है मैंने कैसे, वो मेरा एक दोस्त मिला, उसके दोनों होठ बुरी तरह जले हुए। अच्छा। मैंने कहा होठ कैसे जल गए? बोला पत्नी मायके जा रही थी, स्टेशन छोड़ने गया था, मारे खुशी के इंजन चूम लिया। यहाँ पे यारो, देखो माय गॉड, महान कवि आए हैं, शायरा आए, ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार, मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, तीन लाइन हम भी पेश करेंगे। तीन लाइन, चार लाइनें होती मतलब? नहीं नहीं, तीन मेहमान आए, तीन ही पेश करेंगे, एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे। देखिए पेश करते हैं तीन लाइनें आप लोगों के लिए। करें करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? नहीं, अर्ज किया है नहीं। पहली लाइन, दूसरी लाइन, ये तीसरी। पेश कर दिया आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के, कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं, ऐसा थोड़ी
यार यू थिंक आई डोंट नो, हमको आता है यार, ये तो हम मजाक कर रहे थे सर, क्या माहौल बनता है मैम आपको पता है, थोड़ा क्या हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक सर आता है, हमें अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम करते हैं, लीची को हम आम करते हैं, यादव बच्चा आज आपको प्रणाम करता है। यादव बच्चा बहुत अच्छा भाई, वाह। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई। वाह 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 वाह, क्या लानत है, लानत है, शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बताओ बच्चा सब कैसे है? 11 बच्चे, एक बीवी, 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तेरे बच्चे कैसे हैं? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं, आधे डायपर आधे कच्चे में। कपिल जी, जी इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। भाई क्या बात, क्या बात है, वाह बच्चा आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं, आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है, वाह हम सर बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। क्या बात है, खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? जो बोल रहा है राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें, कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपूर शर्मा, एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना यार। बच्चा मजाक कर रहे तू? नहीं नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई, आप माने या ना माने आपको भी पता है कपूर शर्मा, इस मैम आपको बता रहे हैं 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी अरुण जी यहाँ पर आए, लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं, जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई है, तुरंत दौड़े चले आए। खैर वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी पूछे। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं इतना, मतलब हमने ज्यादातर देखा है जब शेर पढ़ा जाता है आप लोग कहते हैं कि मिश्रा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिश्रा ही क्यों पेश करते हैं, कभी मतलब पांडे दुबे चौबे चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए। हाँ तूने किए ना 11 यादव पेश, और कितने करने चाहता है तू? हाँ। तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? हाँ, सही बात है। हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त। ओपन चैलेंज। बहुत अच्छे। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना चाहेंगे। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। वाह। जुबान बंद होती हैं तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कने बोलती हैं, धड़कने बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं। वाह वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है आई एम सॉरी ही इज नो मोर। इफ यू डोंट माइंड, एक हमारे पास खौफ रस का शेर है। खौफ रस। ये कौन सा नया रस है भाई? हॉरर जॉनर का खौफ रस शेर। थोड़ा सा डरावना है, प्लीज मेंटेन साइलेंस। अर्ज किया है। वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था। वाह। खिड़की से देखा तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। हमारा ना यहाँ पर डेयरी फार्म है, भैंसिया वैसिया है हमारी, तो हमारा बिजनेस चलता है यहाँ। तो वैसे होली का मौसम आ रहा है तो हमने ना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया। अच्छा अच्छा। ओहो। बच्चा ठंडाई।
सर ये जो ठंडाई है इसे पी के अब बीवी के साथ होली खेल सकते हैं। अच्छा। तो इसमें क्या नई चीज है, सभी अपनी बीवी के साथ होली खेलते हैं? नहीं, अपनी नहीं यार। हाँ। से पी के आप दूसरों की बीवी के साथ होली खेल सकते हैं, एक जो हिचकिचाहट होती है ना वो निकल जाती है। बेस्ट प्रोडक्ट। अर्चना जी को दे दो, उनको होली का बड़ा शौक, होली खेलने का। ठंडाई दे दे। मैं किसकी बीवी के साथ खेलूंगी यार होली। बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। नहीं नहीं, लेकिन अर्चना जी को नहीं यार। क्यों? पिछली बार होली पे हमने जरा सा ऐसा पिचकारी से रंग डाल दिया था, इन्होंने हमारी भैंसिया को उठा के ऐसा दबाया। दबाया पिछवाड़े से जो रंग निकला है हमें। सर वैसे क्या है कि हमारे 11 बच्चे हैं, सोच रहे हैं वो भी बड़े होके शायद कवि बनेंगे, एक बार आपसे मिलाते हैं। हाँ, आप जरा मुलाकात करके देखिए, अगर कुछ टिप्पणी देना चाहें। अरे नाना जी जरा बच्चों को ले आइए। वाह 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 वाह, आ गए। और नाना जी कैसे हैं आप? नाना जी, सच्चाई क्या है सर, इनकी गर्लफ्रेंड इन्हें छोड़ के ना किसी और से शादी कर ली, तब से ऐसे हो गए हैं बेचारे। ऐसा नहीं करना चाहिए आपको अर्चना जी। सॉरी सॉरी, वेरी सॉरी। वैसे ये प्यारे बच्चे हैं हमारे सर, ये देखिए, ये है, ये जो है ना, ये बड़ा होके ना ये वीर रस का कवि बनेगा। अच्छा। क्यों? जरा सा भी इसको डांटू ना बहुत जोर का थप्पड़ मारता है। वीर रस का ही बनेगा। नहीं नहीं, अभी 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 तो कहीं कोई डांट नहीं रहा है। ये जो है ये श्रृंगार रस का कवि बनेगा। अच्छा। ऐसे क्यों? नहीं नहीं, इसको आइसक्रीम देते हैं, लॉलीपॉप देते हैं, कुछ नहीं खाता है। लिपस्टिक दे दो पूरी खा जाता है। ये इमरान हसमी टाइप का है, अपना अपना शौक है। ये जो है ये भंगार रस का कवि बनेगा। भंगार रस कौन सा होता है? नहीं, इसके हाथ में आप कोई भी खिलौना दीजिए, तोड़ ताड़ के यूं उसे भंगार कर देते हैं। बहुत अच्छे भंगार रस। वैसे ये कर्क राशि का है, लेकिन हमारा बेड़ा गर्क कर रखा है, भंगार रस का कवि बनेगा। और कोई रास्ता है नहीं। इनका आशीर्वाद है तेरे बच्चों के साथ, ले जा बच्चों को। हाँ ले जाएंगे, देखिए कोई जल्दी वाली बात नहीं है। सर हमारे पास ना एक जॉक्स का पिटारा है। क्या बात, देखिए अरुण जी हैं, इन्हें काफी कवि इधर उधर से आते हैं, अपनी कविताएं इन्हें सुनाते हैं, कुछ इन्हें जमती हैं कुछ नहीं जमती। जब नहीं जमती है तो ये उस आदमी को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? तुम्हारी कविता मुझे जैमी नहीं। जैमी नहीं। प्रदीप जी जो हैं उनकी सारी कविताओं में बहुत गहराई होती है, बताइए क्यों? क्यों? क्योंकि इनके नाम में ही डीप है, प्रदीप। जब भी किसी चीज को हम ऐसे दूर है चीज उसे ऐसे नजदीक लाके देखते हैं तो उसे जूम कहते हैं। हाँ। जूम, हाँ। जूम। वापस उसे ऐसे दूर करके नॉर्मल देखते हैं तो उसे क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? अंजूम। अरे बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बड़ा मजा आया सर, बड़ा मजा आया। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, एंजॉय किया। सारे बच्चे हमारे लेके चलते हैं, फिर मुलाकात होगी जरूर। इन्हें बनाना है लाइफ में, आप कभी बनाएंगे बड़ा। सर थैंक यू। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।